नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्योदय मीडिया में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे के निधन की खबरें 2 फरवरी को सामने आई थी हम सबके बीच। पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट से हमें सबको, मतलब उनके फैंस को ये बताया गया था कि उनकी जो डेथ हो चुकी है वो भी सर्वाइकल कैंसर की वजह से, और सर्वाइकल कैंसर से उनकी जिंदगी की जंग वो हार गई है। इस खबर के बाद पूनम पांडे के फैंस को एक काफ़ी बड़ा झटका लगा और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस ने इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह दिया है। इसी बीच पूनम पांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बैक टू बैक 2 वीडियो शेयर करके लोगों को बताया कि वो जिंदा हैं। पूनम पांडे के इन वीडियोस को देखकर फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो आइए देखते हैं कि पूनम पांडे ने वीडियो शेयर करते हुए क्या कहा है और क्या बातें कही हैं। तो आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है मेनली वो यही है कि पूनम पांडे के जो वीडियो आया है सामने उसमें उन्होंने क्या कहा है। पूनम पांडे ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर कर अपनी जिंदगी या फिर अपने जिंदा होने की जानकारी दी है। पूनम पांडे ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मैं आप सभी के साथ कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं जिंदा हूँ, मैं सर्वाइकल कैंसर से नहीं मर सकती, लेकिन दुख इस बात का है कि सर्वाइकल कैंसर ने उन हज़ारों महिलाओं की जान ले ली है जिन्हें इस बीमारी से निपटने के बारे में जानकारी नहीं थी। सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह से रोका जा सकता है। कुछ अन्य कैंसर के विपरीत सर्वाइकल कैंसर से बचने की संभावना है, यानी कि उससे कुछ अलग प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए हम इससे बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात HIV वैक्सीन और जल्द डिटेक्शन टेस्ट है। हमारे पास ये सुनिश्चित करने के साधन हैं कि इस बीमारी से किसी की जान ना जाए। आइए क्रिटिकल अवेयरनेस के साथ एक दूसरे को सशक्त बनाए और सुनिश्चित करें कि हर महिला को उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सूचित किया जाए। क्या किया जा सकता है इसके बारे में गहराई से जानने के लिए हमारे बायो पर जो लिंक दी हुई है इस पर आप जाइए और ज्वाइन कीजिए। मिलकर इस बीमारी के विनाशकारी प्रभाव को खत्म करने का प्रयास करें। तो ये उनके जो वीडियो है उस पर उन्होंने ये सब चीज़ें कही हैं, लेकिन मैं आपको और एक बार क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो उनका वीडियो है वो दरअसल इंग्लिश में उन्होंने बनाया हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हमने जो आपको बताया है वो इसका ट्रांसलेशन फॉर्म बताया है। तो मेनली पूनम पांडे ने अपनी जो अफवाहें उड़ रही है इसको लेकर कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कही हैं। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जो सर्वाइकल कैंसर है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा महिलाओं की मौत होती है। हम सब मिलकर इसके खिलाफ अवेयरनेस फैलाएं लोगों के बीच में, और मेनली जो वुमन्स होती हैं उनको इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस बीमारी से रिलेटेड उनको अवेयर करने का काम करें। तो उनके वीडियो में यही सारी चीज़ें थी। उन्होंने एक छोटी सी क्लिप में माफ़ी भी मांगी है कि सॉरी मैंने आपको ये बताया कि मेरे कारण मुझे सर्वाइकल कैंसर हुआ और मेरी डेथ हुई, लेकिन मेरा रियल जो मोटिव था वो था सभी को अवेयर करना इस बीमारी से। तो उन्होंने नॉर्मली प्रिकॉशंस बताए और ये भी कहा है कि मेरे बायो पे जो लिंक है इस पे जाके आप अपना मतलब विजिट कीजिए लिंक पे। तो उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि गौरतलब है कि पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट से 2 फरवरी यानी शुक्रवार को एक पोस्ट में ये लिखा गया था कि ये सुबह हमारे लिए कठिन है, आपको ये बताते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि हमने सर्वाइकल कैंसर के कारण अपनी प्यारी पूनम को खो दिया है। उनके संपर्क में आने वाला हर इंसान उनसे प्यार से मिलता और मिला। दुख की इस घड़ी में हम प्राइवेसी की रिक्वेस्ट करेंगे, हम उन्हें हमारे द्वारा शेयर की गई हर बात के लिए प्यार से याद करेंगे। तो ये उनका जो पोस्ट था कुछ समय पहले तक वायरल हो रहा था, कल बीते दिन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे भी रहा और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पॉपुलर हो रहा था कि उनकी डेथ हो गई। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जो स्टार्स हैं उन्होंने अपनी स्टोरी पर भी शेयर किया और उनको श्रद्धांजलि भी दी थी अपनी स्टोरी के माध्यम से। लेकिन आपको ये बता दें कि ये सब फेक है। पूनम पांडे ने सामने आकर ये सारी चीज़ों को बहुत क्लियर कर दिया है कि वो अभी ज़िंदा है। तो खैर आप ये छोड़िए, आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए कि पूनम पांडे ने ऐसा किया, इसके पीछे का रीज़न क्या रहा होगा आपके अकॉर्डिंग। जो भी आपको लगता है कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और भी ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए सत्योदय मीडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आई एम अलाइव,
I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.poonam pandeyisalive.com.